नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 मई दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। राज्य में ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के लिए बन रहे सिस्टम। बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर होगी पढ़ाई। मुख्यमंत्री ने की हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना की समीक्षा। बिहार में हरिद्वार साथ दिखेगा सिमरिया धाम। सीएसके ने आईपीएल 2023 का ट्रॉफी किया अपने नाम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में 100 पदों पर भर्ती। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा परियोजना अधिकारी परियोजना अभियंता के 100 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को भारत सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, परियोजना इंजीनियर, बीई, बीटेक, बीएससी, इंटीग्रेटेड एमई, एमटेक पाठ्यक्रम या समक्ष और परियोजना अधिकारी के लिए एमबीए, एमएसडब्ल्यू या पीजी डिप्लोमा, सीए, आईसीडब्ल्यू उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए bdl-india.in पर जाकर 23 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य में ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के लिए बन रहे सिस्टम। बिहार में गर्मियों के मौसम में ग्राउंड वाटर लेवल की कमी हो जाती है। ऐसे में ग्राउंड लेवल वाटर को बढ़ाने के लिए जल जीवन हरियाली योजना के तहत राज्य के 38 जिलों में स्थित 1.62 लाख PHED नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग की ओर से चापाकल और कुआं के पास प्रति महीने 21.60 करोड़ लीटर पानी रिचार्ज होकर जमीन के नीचे पहुँचाने के लिए रिचार्ज सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि अब तक 1.62 लाख में से 1,39,072 जगहों पर काम पूरा हो चुका है। वहीं बाकी बचे जगहों पर 2024 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में ऐसे 18 जिले हैं जहां गर्मी के दौरान पानी का स्तर 3 से 28 फीट नीचे चला जाता है। इसी को देखते हुए ग्राउंड वाटर लेवल की कमी को दूर करने के लिए इस रिचार्ज सिस्टम पर काम किया जा रहा है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे देवकी नंदन खत्री के बारे में। बाबू देवकी नंदन खत्री हिंदी के प्रथम तिलस्मी लेखक थे। उन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता सदंती, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर गुप्त, गोदाना, कटोरा भर भूतनाथ जैसी रचनाएं की। भूतनाथ को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खत्री की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद वे गया के टेकरी राज में पहुंची और वहां के राजा के यहां नौकरी कर ली। बाद में उन्होंने वाराणसी में लहरी प्रेस नामक एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और 1900 में हिंदी मासिक पत्र सुदर्शन का प्रारंभ किया। बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर होगी पढ़ाई। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को बढ़ाया जा सके इसके लिए 4 स्वयंसेवी संस्थाएं यानी कि एनजीओ शिक्षा विभाग के साथ एमओयू करने जा रही है ताकि वह विभाग को वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया करा सके। बता दें कि जो 4 संस्थाएं शिक्षा विभाग के साथ एमओयू करने वाली है उनमें केंद्रीय भंडार नाम की संस्था, आदित्य बिरला ग्रुप की संस्था माइंड स्पार्क, बोधगया का जीवन संगम और एजुकेट इंडिया नाम की संस्था शामिल है। मालूम हो कि इन 4 संस्थाओं में से केंद्रीय भंडार नाम की संस्था के द्वारा कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को स्पेशल कंटेंट मुहैया कराई जाएगी। वही आदित्य बिरला ग्रुप की संस्था माइंड स्पार्क संस्था ऐप के माध्यम से बच्चों को लर्निंग लेवल सुधारने का काम करेगा। इसके अलावा बोधगया का जीवन संगम जेसुइट पीस मिशन के तहत बच्चों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम करेगा और एजुकेट इंडिया नाम की संस्था के द्वारा कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक साक्षरता मुहैया कराया जाएगा। दालान द मिनी पार्लियामेंट में दिखेंगे बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर। बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर बहुत जल्दी बिहार के एक ठेठ गांव रामौली की कहानी वाली फिल्म दालान द मिनी पार्लियामेंट में मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म में इनके साथ मशहूर कलाकार सत्याकाम आनंद भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक कुमार के द्वारा बताया गया कि उन्हें इससे पहले भी कई फिल्मों के ऑफर मिले थे लेकिन उन्होंने अपने लिए इस फिल्म को चुना क्योंकि इसकी कहानी उन्हें अपने और करीब लेकर आती है। वही फिल्म के डायरेक्टर अभय सिंह के द्वारा कहा गया कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 50% टेक्नीशियन बिहार से है। उन्होंने बताया कि यह पूरी फिल्म अपने रिस्क पर बिहार में बनाई गई है और इसमें पूरी टीम बिहार की है जो कि अलग अलग जगहों से आई है।
2030 से 4 साल का बीएड करने वाले ही बनेंगे शिक्षक। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत बच्चों की पढ़ाई से लेकर 12वीं तक के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता 2030 से स्कूलों में 4 वर्षीय बीएड या 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम डिग्री धारक ही शिक्षक बन पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 41 यूनिवर्सिटी में पायलट प्रोजेक्ट में 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। मालूम हो कि पहले शिक्षक बनने के लिए छात्रों को 3 साल का ग्रेजुएशन और फिर 2 साल का बीएड प्रोग्राम भी करना होता था, जिसमें कि उन्हें पूरा 5 साल का समय लगता था, लेकिन नए प्रारूप के तहत 4 वर्ष में छात्रों को शिक्षक की डिग्री मिल जाएगी। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे गीता घाट आश्रम और जलप्रपात के बारे में। गीता घाट आश्रम और जलप्रपात रोहतास का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। गीता घाट आश्रम और जलप्रपात रोहतास में दरी गांव में स्थित है। आप यहां पर आकर घूम सकते हैं। यह जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। यहां पर बरसात के समय सुंदर जलप्रपात देखने के लिए मिलता है जो ऊंची चट्टानों से बहता है। यहां आकर बहुत अच्छा लगता है। यहां पर आपको सुंदर पहाड़ी देखने के लिए मिलती है। यहां पर आपको गीता घाट बाबा मंदिर भी देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर में आपको आकर अच्छा लगेगा। जलप्रपात तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है, मगर यहां पर पहुंचकर आपको बहुत मजा आएगा। बिहार में औद्योगिक सेट्स में अगले माह से आवंटन प्रक्रिया होगी शुरू। बिहार में पिछले 6 महीने से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक सेट्स तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में अब सेट्स निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली है और बताया जा रहा है कि हर हाल में औद्योगिक सेट्स में आवंटन का कार्य जून जुलाई में शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के जिन जिलों में औद्योगिक सेट्स का निर्माण किया जा रहा है उनमें बिहार की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, भागलपुर, सहरसा और नालंदा शामिल है। इन सभी स्थानों पर औद्योगिक सेट्स तैयार किए जा रहे हैं। मालूम हो कि प्लग एंड प्ले एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां यूनिट में सिर्फ मशीन स्थापित की जाती है और बाकी बचे से सुविधा औद्योगिक अथॉरिटी के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि इसमें निवेशकों को खुद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिहार में हरिद्वार सा दिखेगा सिमरिया धाम। राज्य में पर्यटन के क्षेत्रों को विकास हो सके इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा कई कोशिशें की जा रही हैं। बता दें कि इसी कोशिश के तहत बिहार सरकार के द्वारा राजगीर समेत राज्य के अन्य स्थानों पर पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। अब जानकारी के लिए बता दें कि जल संसाधन व सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा ट्वीट कर दी गई जानकारी के अनुसार 30 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सिमरिया धाम के सौंदर्यीकरण के काम का शुभारंभ किया जाएगा। मालूम हो कि सिमरिया धाम के सौंदर्यीकरण का काम जल संसाधन विभाग के द्वारा करीब 114.97 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। बता दें कि इस परियोजना के तहत राजेंद्र सेतु और निर्माणाधीन 6 लेन नए पुल के बीच करीब 550 मीटर लंबाई में रिवर एज प्रोटेक्शन कार्य के साथ सीढ़ी घाट बनाया जाएगा। बता दें कि मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा ट्वीट कर बताया गया कि गेटवे ऑफ मिथिला सिमरिया धाम के विकास एवं सौंदर्यीकरण की जल संसाधन विभाग बिहार की 114.97 करोड़ रुपए की योजना से संबंधित जरूरी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। अब जल्द इसका कार्यारंभ होगा। उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्थित पावन सिमरिया धाम को हम लोग हर की पौड़ी हरिद्वार से भी सुंदर विकसित करने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर साइंस के शिक्षकों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं। शिक्षा विभाग के द्वारा पिछले दिनों तकनीकी डिग्री वाले अभ्यर्थियों के लिए जारी अधिसूचना में सुधार करते हुए कई बिंदुओं को जोड़ते हुए नई अधिसूचना जारी की गई है। बता दें कि अब इस नए अधिसूचना से स्पष्ट हो गया है कि अब राज्य के उच्च विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री भी मान्य होगी, यानी कि अब इनके लिए बीएड अनिवार्य नहीं होगा। बता दें कि इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी 9वीं और 10वीं कक्षा के विज्ञान के शिक्षक बन सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों जारी एक अधिसूचना में इंजीनियरिंग में स्नातक का जिक्र नहीं था, जिस वजह से अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाई गई थी और आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसके बाद विभाग की ओर से यह बदलाव किया गया है। एक घर से 3 राज्यों के 11 साइबर ठग गिरफ्तार। इन दिनों राज्य में साइबर अपराधी अपना पांव पसारते जा रहे हैं, लेकिन उन पर नकेल कसने के लिए भी पुलिस के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के कटिहार का है, जहां हरियाणा पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा अपराधियों के पास से 8 लैपटॉप, 30 मोबाइल और 35 सिम कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। हालांकि इस गिरोह का मेन सरगना अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है, लेकिन पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। मालूम हो कि जिन साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है वह देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं, जिनमें लुधियाना, महाराष्ट्र और बिहार का सहरसा, बांका और सारण जिला शामिल है। मुख्यमंत्री ने की हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना की समीक्षा।
बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक अन्य मार्ग से संकल्प में 7-2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के द्वारा 7-2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना की दिशा में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली गई और साथ ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित समय के अंदर पहुंचे और इसको लेकर तेजी से काम करे, जितना जल्द हो सके हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा दे, लोगों के हित में निरंतर काम करते रहे। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में इस योजना के संबंध में एक एक बात पर चर्चा की गई थी, ऐसे में स्थल पर भी जाकर किए जा रहे कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करें और हर हाल में वर्ष 2025 तक इस योजना को पूरा करें। दुनिया के सबसे महंगे मॉल में पहुंचा बिहार का लीची। बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची संयुक्त अरब अमीरात के शहर शारजाह के मॉल में पहुंच चुकी है। वहीं मॉल कंपनी लखनऊ के एक्सपोर्ट से जुड़े मैनेजर दीपक मिश्र के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शारजाह के मॉल में लीची को बेहतर रिस्पॉन्स भी मिल रहा, ऐसे में अरब के अन्य शहरों से भी लीची के ऑर्डर आने लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब लीची के बाद मालदा आम को भी दूसरे देशों में भेजने की तैयारी की जा रही है। मालूम हो कि इसको लेकर मॉल प्रबंधन की ओर से प्लानिंग की जा रही है। बता दें कि मॉल कंपनी की ओर से विदेशों में करीब 20 लीची भेजने का टारगेट रखा गया है। वहीं अगले वर्ष से इसको लेकर और भी बेहतर ढंग से व्यवस्था की जाएगी। बिहार के मौसम में दिखेगा बदलाव। बिहार में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले दिनों हुई बारिश से अधिकतम तापमान में कमी आई थी, लेकिन अब एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से अगले 5 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। उसके अनुसार अगले 5 दिनों के लिए किसी तरह की चेतावनी नहीं है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 2 जून तक आसमान साफ रहने का अनुमान है। बिहार में इस बार मानसून के दौरान सामान्य बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून के दौरान सामान्य या इससे थोड़ी कम बारिश होने की संभावना है। राज्य में मॉनसून 13 या 14 जून को पहुंचने की संभावना है। नाइजीरिया में फंसे बिहार यूपी के मजदूरों की होगी घर वापसी। नाइजीरिया में फंसे बिहार यूपी के मजदूरों के घर वापसी को लेकर जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के द्वारा विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखे गए पत्र का जवाब मिल चुका है। उन्होंने कहा कि 9 मई 2023 को नाइजीरिया में भारतीय श्रमिकों के संबंध में पत्र मिला था। अबूजा में हमारा उच्चायोग और लागोश में महावाणिज्य दूतावास भारतीय श्रमिकों के वेतन और घर वापसी से संबंधित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए उनकी कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में है। भारतीय श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए हमारा उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास उनके भी संपर्क में। उन्होंने कहा कि हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा, सलामती और कल्याण का सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अब राज्य के इस अस्पताल में भी शुरू होगा ओरल कैंसर का ऑपरेशन। बिहार के गया के मेडिकल अस्पताल परिसर में बहुत जल्दी ओरल कैंसर का ऑपरेशन शुरू होने वाला है। बता दें कि इसकी तैयारी की जा रही है। मालूम हो कि अब तक अस्पताल परिसर में बने 100 बेड के फैब्रिकेटेड वार्ड में 25 बेड कैंसर के मरीजों के लिए दिए गए हैं। वहीं ओरल कैंसर के ऑपरेशन को लेकर अस्पताल में जल्द ही सर्जरी के डॉक्टर को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गया के अलावा राज्य के कई जिलों में कैंसर के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। ऐसे में अब न केवल बिहार के जिलों के लोगों को बल्कि झारखंड के मरीजों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। जानिए कब लॉन्च होगा चंद्रयान 3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के चीफ एस सोमनाथ के द्वारा बीते दिन सोमवार को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह NSV-01 के सफल प्रक्षेपण के बाद जानकारी देते हुए बताया गया कि LVM-3 के द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को इस जुलाई महीने में लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले वर्ष 2019 में चंद्र की कक्षा में चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक पहुंचाया गया था, लेकिन इसका लैंडर 6 सितंबर 2019 को उतरने का प्रयास करते समय अपने प्रक्षेपक से भटक गया था और चंद्रमा के सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वहीं अब चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अरुणवायु मिशन है, जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करता है और साथ ही इसमें लैडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल हैं। सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में 6 से 18 वर्ष बच्चों को मिलेगी रहने की सुविधा। राज्य के जरूरतमंद व आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को रहने का स्थान मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के 7 जिलों में सुभाष चंद्र बोस के नाम से बॉयज हॉस्टल तैयार करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि राज्य के जिन 7 जिलों में इस हॉस्टल के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है वह उसमें बिहार की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, जमुई, नवादा, गया, बांका और औरंगाबाद शामिल है। मालूम हो कि इन हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को विभाग की ओर से तलाशा जा रहा है, जिसके लिए विभाग के द्वारा श्रम अधीक्षक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग और जिला बाल संरक्षण निकाय से भी मदद मांगी गई है। मालूम हो कि इस निशुल्क हॉस्टल में 6 से 18 वर्ष के बच्चों को रखा जाएगा, जिसमें उन्हें रहने, खाने और पढ़ने की निशुल्क व्यवस्था होगी।
राजद कार्यालय में हुई महागठबंधन की बैठक। बीते दिन प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन के सभी सातों दल के प्रतिनिधियों के बीच बैठक की गई। वहीं बैठक के बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि बैठक में प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक महागठबंधन को ऑर्डिनेंस कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 15 जून को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ महागठबंधन प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगा, जिसमें हमारा मुद्दा जातिगत जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, किसानों की आय दोगुनी करने की मांग, उन्माद की राजनीति को समाप्त करने समेत कई विषय शामिल होंगे। बता दें कि इस दौरान जगदानंद सिंह के द्वारा कहा गया कि देश की स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। केंद्र सरकार महिला खिलाड़ियों को न्याय देने की जगह बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। पटना में विपक्षी दलों के महाजुटान पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम चलाई जा रही है। वहीं अब मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार के राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक 12 जून को हो सकती है। ऐसे में अब इस बैठक को लेकर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा बड़ा हमला बोलते हुए कहा गया है कि नीतीश कुमार को जिसके साथ बैठक करना है वो करे, लेकिन उससे पहले वो 26 जून का दिन भी तय कर ले जिस दिन वो प्रायश्चित करे। 74 के आंदोलन का उपज रहे नीतीश कुमार जेपी के नेतृत्व में राजनीति में ये आए, लेकिन आज वही नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आपातकाल के दिन भूल गए हैं और किस मुंह से नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ एकता की बात कर रहे हैं, इसलिए नीतीश पहले गाय के गोबर और गंगा के बालू से प्रायश्चित करें। सीएसके ने आईपीएल 2023 का ट्रॉफी किया अपने नाम। बीते दिन आईपीएल 2023 के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस का सामना चार बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से हुआ। यह मैच रविवार को ही खेला जाना था, हालांकि बारिश की वजह से 28 मई का दिन धुल गया, जिसके बाद यह मैच रिजर्व डे यानी कि बीते दिन 29 मई को खेला गया। मालूम हो कि बीते दिन हुए शानदार मुकाबले में इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 16 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम कर लिया है। मालूम हो कि सीएसके की यह पांचवी खिताब जीत है। 15 ओवरों में 171 रन का टारगेट का पीछा करने उतरी सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहली ही गेंद में शून्य रन बनाकर आउट हो गए थे। हालांकि जडेजा ने फिनिशर की भूमिका निभाते हुए आखिरी दो गेंदों में छक्का और चौका जड़कर सीएसके को 5 विकेट से जीत दिलाई। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 214 रन बनाए थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में सर की उपाधि वापस की। गोवा 1987 में देश का 25वां पूर्ण राज्य बना। विश्वनाथन आनंद 2012 में पांचवी बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। सुजाना मेडल प्रोडक्ट लिमिटेड ने 2008 में विशाखापट्टनम में 180 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्टील इकाइयों का अधिग्रहण किया। उत्तर प्रदेश के देवबंद में दार उल उलूम की स्थापना 1867 में हुई। उद्दंत मारतंड पहली हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत 1826 में हुई, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध कथा पटकथा और कहानी लेखक पंडित मुखराम शर्मा का जन्म 1909 में हुआ। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव का निधन 1606 में हुआ। एनएम जोशी का निधन 1955 में हुआ, जो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। वेलकम मैच में बात करेंगे उदारकृत प्रेषण योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उदारीकृत प्रेषण योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक दावा किया जा रहा है कि बैंक यह सत्यापित नहीं कर सकते हैं कि आपने एक वर्ष में 7 लाख से कम खर्च किया है या नहीं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा झूठा है। उदारीकृत प्रेषण योजना किसी व्यक्ति के खर्च को आरबीआई द्वारा संकलित और मॉनिटर किया जाता है। व्हाट्सएप पर भी जल्द कर पाएंगे स्क्रीन शेयर। बहुत जल्दी अब व्हाट्सएप में भी यूजर्स को स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन मिलने वाला है। बता दें कि फिलहाल इस पर काम चल रहा है और ये कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो के मुताबिक कंपनी स्क्रीन शेयर फीचर पर काम कर रही है, जो यूजर्स को वीडियो कॉल के दौरान बॉटम नेविगेशन बार में मिलेगा। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपनी व्हाट्सएप स्क्रीन को दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे। अभी ये क्लियर नहीं है कि ये फीचर ग्रुप कॉल और ऑडियो कॉल के लिए भी उपलब्ध होगा या नहीं। ये फीचर फिलहाल व्हाट्सएप बीटा 2.23.11.19 में मौजूद है। आने वाले समय में कंपनी इसे सभी के लिए रोल आउट कर सकती है। जून में घट सकते हैं एलपीजी सीएनजी के दाम। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सीएनजी के दामों में बदलाव किया जाता है। ठीक इसी तरह जून महीने की पहली तारीख को भी सीएनजी और एलपीजी के रेट में बदलाव हो सकता है। बता दें कि अप्रैल महीने में सीएनजी और एलपीजी के दाम घटे थे। वहीं मई में भी एलपीजी के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 171 रुपए की कमी आई थी। हालांकि इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन बिहार एलपीजी वितरक संघ के महासचिव डॉक्टर रामनरेश प्रसाद सिन्हा के माने तो इस महीने एलपीजी के दामों में कमी हो सकती है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।
बीते दिन हमारे पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, नुनू गोलू कुमार, विमलेश कुमार, के सिन्हा, विनय राज, कमलेश शर्मा, के सिन्हा, राजीव कुमार, उमेश ऋषिदेव, कुमारी संजना, मोहम्मद मुमताज, विजेंद्र सिंह, मुन्नीस कुशवाहा, भावेश कुमार, मुटुर रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने आपको सबसे ज्यादा अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।